नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, पहली चीज़ तो ऐसे कई लोग हमारे में से ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं, जिन्हें लगता है और उन्हें खुद के बारे में पता नहीं होता कि वो सिर्फ मैं जिससे खुश रहूं वो ही होना चाहिए, उसी तरीके का खाना पहनावा और रहन सहन, ना कि सिर्फ मेरा, मेरे घर वालों का भी, जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से घर चलेगा, इस घर के बाहर भी तुम कैसे रहोगे वो मेरे हिसाब से ही रहेगा और बाकी मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं है इस घर के बाहर, चार दीवारी के बाहर, बस मेरा पैसा बन जाए और मेरी ज़िंदगी जैसे मैं चाहता हूँ वो वैसी ही रहे और सब लोग मेरे हिसाब से चले। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो कि इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं लेकिन सोचते नहीं दूसरों के लिए करने के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में थे जो नेचुरली हमारे लिए करते हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंट्स हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, और जिस भी रिश्ते में प्यार है, जेन्युइन लव है, जेन्युइन अफेक्शन है, दोस्त हैं हमारे, वो करते हैं नेचुरली एक दूसरे के लिए, किसी चीज़ को के लिए नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं, या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं, अपने परिवार में दूसरे लोगों के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार से एक सोशल सर्विस करते हैं अपने परिवार में उन लोगों के लिए जिन जो शायद उनकी मदद ना कर सके, जिनकी सिचुएशन उनसे शायद ख़राब हो, या समाज में ऐसे लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, दुनिया के लिए ऐसा करते हैं। अब कई लोग जो हैं वो ये चीज़ें इसलिए करने लगते हैं, अगर आपके किसी रिलीजियस बिलीफ का ये पार्ट है, पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आपके भगवान खुश होंगे इस चीज़ को करके, तो बिल्कुल ये करना चाहिए और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, आपकी बहुत अच्छी सोच है अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने से आपके आपका कर्मा अच्छा होगा, आपका कर्मा क्लीन होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा, ये तो बिल्कुल अच्छी सोच है, मुझे लगता है सोच में कुछ गलत है ही नहीं। ऐसा सोचते हुए अगर आप जानवरों के लिए कुछ करें, बूढ़े लोगों के लिए कुछ करें, पेड़ पौधों के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर वाले और जो लोग आपके लिए करते हैं, जो आपके परिवार है या आपके दोस्त है, जो आपका इमीडिएट सर्कल है, जिनसे आपका रोज़ का मिलना जुलना है या फिर आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं किसी भी समय पे, उनको अगर आप इग्नोर करें या उनके साथ ना करें और फिर आप दूसरों के लिए करें तब उसका फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ पे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम आता है वहाँ पे ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सेहत ठीक करें, अपने आसपास के लोगों को के लिए आप जितना कर सकते करें और फिर आप देखें बाहर क्या कर सकते हैं। जहाँ पे सोच गलत आती है वो मैं बताता हूँ, वो ये है हमें दो चीज़ें लगना, एक तो ये कि इससे हमें पैसा मिलेगा और दूसरी चीज़ अगर हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो ये व्यक्ति कल हमें वापस आके मदद करेगा। वापस आके मदद करेगा वाली चीज़ मैं पहले समझा देता हूँ, पैसे वाली चीज़ बाद में बताऊँगा। जो हमें लगता है कि ये व्यक्ति वापस आके हमारी मदद करेगा इसलिए हमें इसके लिए कर लेना चाहिए, वो ये है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है। हम कई बारी कई लोगों के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं और कई बारी वो लोग हमसे ज़्यादा समृद्ध भी होते हैं लेकिन वो हमारे लिए उस समय पे नहीं करते जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। उसके कई बारी कुछ कारण भी हो सकते हैं जो हमें पता ना चले, लेकिन कारण ना भी हो तो हर इंसान की नेचर अलग होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें जहाँ तक पैसे की बात आती है, हाँ ये बात सही है कि कई लोग हैं जो कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन उनकी सैलरी होती है, तो हाँ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर में हो या फिर वैसे ही समाज के लिए काम कर रहे हो। अगर आप समाजिक कोई ऐसा कार्य कर रहे हो और ये सोचे कि मैं इस चीज़ से मुझे पैसा मिलेगा, अगर आपका इंटेंट ही सही नहीं है ना तो वो काम भी कभी सही नहीं होगा। एंड इन दी एंड आप देखिएगा कि आप, क्योंकि जहाँ पे करप्शन आती है, जहाँ पे करप्शन ऑफ द माइंड सीप्स इन, कोई चीज़ करना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हुए, तो चीज़ ना वो चीज़ सही होती है ना उसके अंदर जो एनर्जी डाली गई है वो सही होती है, और जब तक नियत अच्छी नहीं होगी आप उतने ऑप्शंस या उतनी अप्रोच आपकी ओपन माइंडेड और इतनी डायनामिक अप्रोच नहीं होगी जो कि आप उस चीज़ को दे पाए, तो कभी रिजल्ट अच्छा होगा ही नहीं। आप खुद सोच लीजिए, मैं एक एग्जांपल इसका दूंगा कि आप इसलिए पेड़ लगा रहे हैं कि ये पेड़ आपको फल देगा और वो फल आप बेचेंगे, ठीक है? अगर आपकी सोच सिर्फ ये है कि फल
आ जाए मेरे पास जल्दी से और मैं जल्दी से एक पेड़ लगा दूं, तो आप देखिए वो पेड़ भी कभी ठीक से शायद से ना होगे, शायद वो फल भी ना दे पाए। मान लीजिए आप उसका ग्रेन ही गलत है, उसकी जिस मिट्टी में आप गाड़ रहे हैं, मिट्टी में आप उसे उगा रहे हैं वो ही सही नहीं है, पानी आपने ठीक से नहीं दिया, आपने इतना सोचा नहीं उस बारे में, तो वो पेड़ क्या कैसे उगेगा और कैसे फल देगा आपको। आपकी अगर नीयत ये है कि ये पेड़ अच्छे से उगे, इस पेड़ को संवारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेड़ को एक जीव जंतु की तरह से मैं सोचूं और फिर मैं देखता हूँ इसको संवार कैसे सकता हूँ, इसकी खाद कैसी हो, इसका जो मिट्टी है उसके क्या गुण हैं, कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना है, क्या फल इससे निकलेंगे या फिर क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है। और सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलती है, वो मन की शांति मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। आप कभी भी, आप देखिए कोई भी अच्छा काम किसी के लिए करें, वो आपको अप्रिशिएट ना भी करे, अगर आपको इतना भर पता चल जाए कि वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति के को थोड़ी राहत की सांस मिली, एक दिन के लिए वो चैन की सांस ले पाया, तो आपके आप अंदर से बहुत खुश होंगे। और कई बार ऐसा होता है, हम डिप्रेशन में होते हैं, हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, जब हम ऐसे में सामाजिक कोई कार्य करते हैं या दूसरे के लिए कोई चीज़ करते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और हम एकदम अच्छा महसूस करने लगते हैं। उन चीज़ों के लिए करें। हाँ, अगर आप मानते हैं कर्मा में, पॉजिटिव एनर्जीज में, तो आप देखिए कि आप ये चीज़ तो है ही कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, पहली चीज़ तो ये है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस पर्सन तक पहुंचेगी। अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिव एनर्जीज में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, नेचर में मानते हैं, कुदरत में ही आप मानते हैं ना, और कुदरत तो दुनिया की सच्चाई है, ज़िंदगी की सच्चाई है, कहीं ना कहीं वो अच्छाई आपके पास वापस आएगी। उस समय तो एकदम से आएगी ही, लेकिन आगे जाके भी वापस आएगी, चाहे आप इसे पॉजिटिव वाइब्स कह लें, चाहे आप गुडविल कह लें, किसी ना किसी तरह से वो अच्छाई आपके पास आएगी। तो अच्छा काम करते रहें, अच्छी एनर्जी आप देते रहें लोगों को, और सब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी स्वार्थ के साथ ना करें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए और देने के लिए करें, और देखिएगा आपकी जितनी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा आपकी क्या राय है, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट लाएंगे, बहुत हम अनोखा कंटेंट अलग अलग लोगों को लाएंगे, एंड लाइक करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।